एक शेरा के बे हम देने हो जेड़े सिकवा करन मदरा दा उगण वाले उग पैदे ने सीना फाड़ के पथरा दा। मनु पता लगे तुझे बड़े गाने मैंने सुने हैं मेरी बारी बतीता करके ऐसा नहीं होना मतलब भी गाना सुनाओ भाई जरा उची देखे बोलोगे चीखोगे तो मैं पता लगेगा कि मैं पंजाब के रोज में आया हूँ। पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ प्रगति नाम की ऐसी स्कीम लेके आए 10+2 तो ऊपर के जेडे स्टूडेंट जिन्होंने एक साल तो नौकरी नहीं मिली नौकरी तलाश है उन्होंने वास्ते साल के 1,00,000 नौकरियां सरकार कट के उन्होंने नौकरियां देगी इस स्कीम का हिस्सा होगा यह गारंटी होगी। मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पहुंचे। इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं चरणजीत सिंह चन्नी ने नौजवानों नूं रुजगार की गारंटी दित्ती। उन्हां ऐलान कीता कि पंजाब विच मुड़ तों कांग्रेस की सरकार बनन ते नौजवानों नूं 1 साल च 1,00,000 नौकरी दित्ती जाएगी। रुजगार की गारंटी लई कानून बनाया जाएगा। इस तों इलावा नौजवानों नूं आयल्स का कोर्स फ्री करवाया जाएगा। इस नूं लैके कैबिनेट मीटिंग च बिल पास कीता जाएगा ते मीटिंग दौरान पहला गरंटी वाले बिलों उपर साइन किए जाएंगे। इस मौके उन्होंने कैबिनेट मंत्री पंजाब राणा गुरजीत सिंह हलका विधायक फगवाड़ा बलविंदर सिंह धालीवाल अते पंजाब एग्रो के चेयरमैन जोगिंदर सिंह मान भी मौजूद सन। राणा गुरजीत सिंह जी सारे एमएलए साहबान एलपीयू के वाइस चांसलर ते चांसलर साहब सारे मेरे नौजवान दोस्तों वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मैनू पता लगे तुझे बड़े गाने मैंने सुने हैं मेरी बारी बतीता करके ऐसा नहीं होना मतलब भी गाना सुनाओ भाई मैं 5 मिनट बोल लवा फिर गाना मैं भी सुनना सामने बैठ के किसी भी सुन जरा उची देखे बोलोगे चीखोगे तो मैं पता लगेगा कि मैं पंजाब के रोज में आया हूँ। हूँ पता लगे नाम की यूनिवर्सिटी है नाम दी हो तुम सारे बहुत प्यारे हो बहुत प्यार दे रहे हो तो बहुत जोश है तुहाडे विच परमात्मा ने जोश न होर बरकरार रखे ते तुसी तरक्की करो। एक शेर है कि बेहमते ने हो जेड़े सिकवा करन मुकद्दरा दा बेहमते ने हो जेड़े सिकवा करन मुकद्दरा दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरा दा। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। सो मैं थोड़ा सारिया का धन्यवादी हाँ तो माफी मंगता मैं बड़ा लेट हो गया तुम बड़ी देर से बैठे हो आना हैलीकॉप्टर में बरसात करके कार करके लेट हो लेकिन फिर भी बहुत बड़ी गिनती तुसी हो आज ऐसी एक गरंटी स्कीम लेके आए। एक तो आम पोलिटिकल पार्टियां गरंटी देती है ते कोई फार्म भरा कोई कुछ भरा एक सरकार की पक्की गरंटी होंगी ऐसी कैबिनेट के पास कर देना अच्छे जाके
पहला थोड़े को ऐलान कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ प्रगति नाम की ऐसी स्कीम लेके आए जिड़ी के आने वाले दिनों पंजाब के रोजगार पंजाब के नौजवान अगे बढ़ाने सरकार ने सरकार मदद करेगी। 10 10+2 तो उपर के जोड़े स्टूडेंट जिन्होंने एक साल तो नौकरी नहीं मिली नौकरी तलाश से उन्होंने वास्ते साल के 1 लाख नौकरियां सरकार कट के उन्होंने नौकरियां देगी। इस स्कीम का हिस्सा होएगा यह गरंटी होएगी। ये गरंटी चरणजीत चन्नी की नहीं है ये किसी होर पार्टी के लीडर की नहीं है या कांग्रेस की नहीं है ये गरंटी पंजाब सरकार की है। मैं बतौर मुख्यमंत्री ये दोनों गरंटी का ऐलान कर रहा जी कि पंजाब सरकार वालों दिखी जा रही है 1 लाख नौकरी 1 साल के फ्री कोचिंग जेडे बच्चों को जरूरत है जॉब वास्ते या अगे एग्जाम वास्ते या IAS PCS वास्ते पंजाब सरकार फ्री कोचिंग कराया करेगी। जेडे आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सिस के विच ट्रेनिंग पंजाब सरकार कराया करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रोजगार ने उसका जिते लगना चाहते हैं वो अफसर पंजाब सरकार प्रदान करेगी। IELTS का बड़ा रोल है बहुत बड़िया बड़िया फीसा लुट रहे IELTS कराने वाले लेकिन पंजाब सरकार ने गारंटी दे रही है अज कि IELTS के कोर्स पंजाब सरकार खुद फ्री कराया करेगी। टॉपर पीटीई ये दोनों कोर्स भी है IELTS टॉपर से पीटीई जेडे नौजवान क्योंकि प्रवास पंजाबी की आदत बहुत नौजवान बाहर जाके पढ़ना चाहते बहुत नौकरी करना चाहते पंजाब सरकार उन्होंने नौजवानों जोड़े बाहर जाना चाहते हैं एजेंट का काम आप करके जी लुट होंगी है सर नौजवानों की बाहर जाने वास्ते वो पंजाब सरकार आप एजेंट बन के उन्होंने बाहर पढ़ने वास्ते चंगी यूनिवर्सिटी भेजेगी तो जोड़ा पैसा खर्च होगा वो इंट्रस्ट फ्री लोन पंजाब सरकार मुहैया कराएगी। जेड़े अपना रोजगार करना चाहते बहुत सारे नौजवान नौकरी नहीं करना चाहते जिस तरह मैं है मैं 10वीं किसी ने पूछा कि तू कि नौकरी करना चाहता है मैं क्या मैं तो नौकरी नहीं करना चाहता नौकरी नहीं की मुख्यमंत्री बन गया इस करके बहुत नौजवान नौकरी नहीं करना चाहते अपना कारोबार करना चाहते इसलिए उन्होंने वास्ते इंट्रस्ट फ्री लोन पंजाब सरकार दिया गवाया करेगी उन्होंने काम को स्टार्ट करने वास्ते स्टार्टअप कोर्सिस वक्त यूनिवर्सिटियां चलाए जाएंगे पंजाब सरकार स्किल यूनिवर्सिटी के फ्री ट्रेनिंग ते स्किल डिवेलपमेंट से जोर देगी इंडस्ट्रिया टाईअप करके वादों वाद रोजगार के मौके नौजवानों दिते जाएंगे ते बाहर जाने वाले नौजवानों सरकार खुद एजेंट बन के एजेंट सिस्टम खत्म करके जेडे एजेंट लुटते हैं वो खत्म करके पंजाब सरकार अपना चलाएगी। इसलिए अगली सरकार जिस दिन बनेगी पहला जी चिट्ठी साइन होगी वो मुख्यमंत्री वालों 1 लाख नौकरियां की होगी। सो ये गारंटी पंजाब सरकार वालों अज ऐसी कानून बना के दे रहे हैं 7:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है उसके विच एक कानून पास किया जाएगा तो गारंटी दी जाएगी सारे पंजाब के यूथ को इसकी बधाई होगी। तो मैं ज्यादा आए हैं वो NCC कर लागे NCC वाले मैंने सलूट मारिया तो मेरे मोहरे मोहरे तुरे मेरा भी पैर उस तरह चल पाया क्योंकि मैं भी NCC का कदम कैडेट सी स्कूल के हूँ उत्तर भंगड़ा पा रहे थे मेरा जी कर रहा भंगड़ा पाव NCC कर रहे थे हूँ कई बड़ी तकलीफ होती है
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਸਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਜੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੀਤ ਮੰਡਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੀੜੀ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ LPU ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।